बड़ो रो रही हो बहुत जोर जोर से, मैं जानी की भैया ऐसी रो रही होंगी किसी चीज से नाराज, मैं मरूंगी मैं नहीं बचूंगी, ये कैसे कर दिया। और वो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने कहा मैं जाके देखूं, मैंने ऐसे दो मारी, फिर क्या झूठ बोल रहे यार, अरे क्या गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई और आज है संडे और मैंने इतने दिन से प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं घर से आई थी ना तब से इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं क्या ही बताऊँ। और हेमा भी नहीं आई है, उनके हस्बैंड आज अनिल को मिले थे तो बोल रहे थे कि हेमा शाम रात तक आ जाएगी, तो कल फिर हो सकता है वो आ जाए काम पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो वैसे भी काफ़ी जल्दी दिन निकल जाता है और मेरे कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। बेबी पे तो मैं प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ बट काफ़ी लेट हो जाती हूँ। रेलिंग वगैरह साफ करना आज सारा काम मैंने किया, अनिल ने बनाई थी सब्जी जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनी थी और मैंने उनसे बोल भी दिया था कि आज सब्जी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनी है। मटर पनीर बनाई थी उन्होंने बट बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनी थी, पता नहीं क्यों, वैसे वो अच्छी बना देते हैं। तो मसाला वगैरह मैंने बना दिया था, उन्होंने सब्जी बनाई, फिर जल्दी से आटा लगा के मैंने रोटियाँ बनाई, फिर मैं नहाई हूँ। और डेली नहाने के लिए दीदी का फ़ोन वगैरह आया था डेली मत नहाया करो, बट क्या किचकिच जैसा लगता है, बट किसी किसी दिन मैं अब गैप का तो करूँगी क्योंकि बेबी के लिए जो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे भी गले में खरांस जैसी हो रही है और बेबी को भी थोड़ी खांसी हो रही है क्योंकि मैं पानी में काम कर रही हूँ ना। फिर भी अनिल पानी वाला काम नहीं करवाने देते ज़्यादा क्योंकि आज उन्होंने अपने कपड़े भी खुद से ही वॉश करे हैं। लक्ष्य के मैं कर देती हूँ, आज उन्होंने लक्ष्य के एक पैंट और एक शर्ट ड्रेस थी ना वो भी वॉश कर दी और कुछ थे स्वेटर वगैरह वो मैंने कर दिए थे। तो घर से आई हूँ, 6-7 दिन हो गए आज, बट मैंने कोई भी प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करी कि एक दिन की प्रॉपर ब्लॉगिंग करी हो, कभी कभी होना भी चाहिए। पुराने ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे, इसलिए लड्डू अभी सो गया है, जैसे ही जागता है आज मैंने उसको नहलाया नहीं है, जागता है तो उसके मैं थोड़े कपड़े चेंज करूँगी। वैसे सुबह मैंने उसको मसाज कर दी थी अच्छे से और पत्ते चले गए हैं बाहर और घर में अमरूद और लेके आ गए। मैं तो खाती नहीं हूँ अमरूद भाई, गला एकदम वैसे भी तो हालत ख़राब हो रही हो, आज मेरे यहाँ सीने में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और आज मुझे एक वीडियो शूट भी करना है तो जल्दी से सारे काम मैं तो कर ही लिए हैं। वैसे मैंने वीडियो शूट करूंगी तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा नेल पेंट वगैरह लगा लूँ क्योंकि घर से आई हूँ तब से बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ, गाँव में भी नहीं कर पाई थी प्रॉपर। एक महीने हम लोग रह के आए हैं गाँव में तो एकदम नेल पेंट वगैरह, नेल तो अब आप लोग देख सकते हो बेबी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, सारे नेल निकल गए, ये सारे नेल निकल गए, ये मैंने रिंग बनवाई थी ना वो रिंग है, पतिदेव भी अपनी रिंग पहने हुए हैं जो अंकल थे ना उनसे बनवाई थी, काफ़ी अच्छी है, अभी तो साइनिंग कर रही है चाहे तो नई है इसलिए अब देखते हैं इसका कैसा निकलता है। वरना हमने किसी और पर बनवाई थी, उन्होंने बहुत मिलावट कर दी थी चांदी में, उसमें चांदी थी ही नहीं, सारी चांदी इन्होंने ऐसी रख ली। बहुत फ्रॉड चल रहा है यार हर जगह इन चीज़ में, सोने चांदी में, और कोई तो जानता नहीं है ज़्यादा और कोई नहीं चाहता यार गला के फिर से कि आप दिखाओ आपने इसमें सोना चांदी मिलाया है कि नहीं मिलाया, वही सारी चीज़ें होती हैं। और चलिए तो मैं थोड़ा अच्छे से अपना अपने हेयर को पहले ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद कंघी बाद में करूँगी, मेरा दिल नहीं कर रहा, कमर में दर्द हो रहा है सच बताऊँ तो। सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए, खाना पीना सबका हो ही चुका है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद, बहुत छोटे छोटे काम डले हुए हैं। तो गाइज किचन कितना मैसी हो रखा है, मेरी वॉइस को इग्नोर करना, तबीयत ख़राब है। और हेमा अभी आई नहीं है, आ गई है बट वो कल से आई काम पे, उसका फ़ोन आया था कि दीदी मेरी तबीयत ख़राब है कल आऊँगी, मैंने ठीक है कोई बात नहीं है। और अभी आज मैंने बनाए हैं भरमा बैगन, आटा लग चुका है, पतिदेव खाना लेके नहीं गए हैं तो पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैंने भरमा बैगन की सब्जी बनाई है और मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि बेबी ने पॉटी कर दी थी और उसके बाद फिर दूध वूध पिलाए वो रो रहा था तो फिर लेट हो गई, तो मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश करी बट आज मुझे बहुत बैड फील हो रहा है। अनिल बोल रहे थे बच्चे का ध्यान रखना पहले ज़रूरी है, खाना पीना तो होता रहेगा, तो मैं कैंटीन में खा लूँगा, बट जब मैं टिफ़िन नहीं बनाती जिस दिन या मैं लेट हो जाती हूँ वो ईजिली मना कर देते हैं, उनको नहीं लगता कि क्यों नहीं बनाया, बट सारा दिन ऐसे मुझे गिल्टी जैसा फील होता है कि यार मैंने टिफ़िन नहीं बनाया, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी बीवी हूँ करके, क्योंकि सुबह के से बहुत सारे काम होते हैं और हेमा भी नहीं आई है, कल आएंगी
तो घर से आई तब से पानी का ही काम है, तो मेरी भी तबीयत कल इतनी ख़राब हो गई थी कि मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, यहाँ सीने में दर्द, यहाँ पे दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, दवाई लेके आई और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, आपने देखी होगी। तो बस पानी का ही काम रहता है, बाथरूम वगैरह रेलिंग वगैरह, पोंछा तो मैं गर्म पानी से लगाती हूँ बट फिर भी हो जाता है, आपको पता है। और इसी वजह से अपना पीड में बेबी को कम दे रही हूँ कि बेबी को भी कोल्ड कफ ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है इसलिए मैं फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा दे रही हूँ उसको, अपने अकॉर्डिंग अपना पिला रही हूँ पर कम। बेबी अभी जाग रहा है, मैं उसको थोड़ा इधर उधर उसका ध्यान भटकाया है, कुछ दे के आई हूँ खिलौने वगैरह, वरना वो रो रहा था। तो मैं, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो पहले मैं खा लेती हूँ, फिर लक्ष्य आ जाएगा, फिर लक्ष्य को के लिए गर्मा गर्म बना दूँगी। बहुत सारा काम फैला हुआ डला है, वो भी समेटना है। कल रात में मैंने नेल पेंट लगाई थी टीवी देखते देखते, कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, रात में आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, आंसू आंसू। डॉक्टर के से आने के बाद, सब्जी तो हमारी रखी थी दोपहर की, तो डॉक्टर से आने के बाद फिर मैंने ना, मेरे से नहीं बन रहा था, तो अनिल ने फिर रोटी बनाई है। भाई बहुत हेल्प करवा देते हैं वो, सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। चलिए ये ऑफिस चले गए, इनका फ़ोन भी आ गया, ऑफिस पहुँच गए, बट मुझे बहुत वेट फील हो रहा है आज। मैं भरमा बैगन बनाया हुआ है मैंने अलग स्टाइल से, मैं सोची थी ये खाएंगे तो तारीफ़ करेंगे, बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए शाम के लिए बचा के रख लूँगी। शाम में देखो दाल बनाने की इच्छा हो रही है आज मेरी, चलिए बना लेते हैं रोटी, गर्मा गर्म खा लेती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। ये क्रिसमस की केक आ गई है पतिदेव की, और आज तबीयत बहुत डाउन है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो इनके ऑफिस जाने का समय हो गया है और यहाँ पर ये कुछ मुझसे बात कर रहे थे पर्सनल, तो बस उसी के बारे में बातें हो रही हैं। और मैं इनसे बोल रही थी ऑफिस से जल्दी आ जाना। इधर का हाँ, किस नाम से आपका? साधना। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अनिल को टाइम नहीं था तो फ्रूट्स वाले भैया नीचे आए थे, तो मैं लेके आई हूँ चीकू, पपीता और एप्पल। अब इनको वॉश करके रख दूँगी, वॉश करके। अब एक्चुअली मैं चाय बना रही थी, तो मैं चाय बनाते बनाते जल्दी से बस पानी गर्म ही हो पाया है, तब तक मैं चली गई थी, तो इनको वॉश करके रख देती हूँ, चावल निकाल लेती हूँ क्योंकि हमारी हेमा आ चुकी है, तो बस चावल निकाल देती हूँ, चलो फिर चाय बनाऊँगी, ये फ्रूट्स वॉश करके रख दूँगी। तो हमारे हो चुके हैं फ्रेश, ये लड्डू के पापा आ चुके हैं और लेके आए हैं सोया चाप। हेमा चली गई है और हम लोग खाएंगे। बेटा तुम खाओगे, इसे दूर रखो, ये हाथ पैर चलाता है, इसने पानी फैला दिया और क्या देखा नहीं, हमारी ड्यूटी है, तुम देख नहीं रही हो। अरे मैं नहीं होंगी तो अभी कपड़े उठा के लाए आई हूँ ना, वीजा लग गया, विदेश जाओगी ना, मैं अभी इतने सारे काम कर रही हूँ, अभी जस्ट आई हूँ ना अभी थोड़ी देर पहले कपड़े उठा के तय लगा के उनको जल्दी चाट ये सो के उठ गया है। तुम नहीं खा रहे बेबी? क्यों? ओहो देखो, मैंने बताया ना कि लात मारता है। देखो ये रूम मोटर चल रहा है तो काफी गरम है ना, बाहर से आए कैसा लग रहा है तुम्हें? गरम गरम लग रहा बहुत, जो तो चलो चलो चलते हैं। आजा लक्ष्य, आजा। को काम नहीं करने देना, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? अब यही चलेगा बस अब यही चलेगा। बैठ जा, शांति से बैठ जा, कमाल कर रहा है आजकल के बच्चे भी, इसको लैपटॉप चलाना है पागल बच्चे, ऐसे स्क्रीन कम कर देते, कम है आँख खराब ना हो जाए। ओला भैया, ओला भैया, ओला भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये दोनों बाप बेटे सो रहे हैं, यानी कि लग चला गया स्कूल, और लड्डू और उसके पापा सो रहे हैं। पानी गर्म दिखा देती हूँ, पानी गर्म भी मैंने हेमा से बोल के लगवा दिया था, क्योंकि बाल्टी मैं तो उठाती नहीं हूँ अभी, इतना भारी वजन 6 महीने हुए नहीं तो अवॉइड करती हूँ अभी। तो ये पानी गर्म हो गया है, पानी गर्म हो गया इसलिए मैंने रूम हीटर ऑन कर दिया, और हेमा बोल रही थी दीदी आपका रूम बहुत ज़्यादा गर्म है। सच में हमारा लड्डू अब तो खेल भी लेता है रूम हीटर की वजह से। चलिए अब किचन में चलते हैं, सारा काम हो जाता है तो अच्छा लगता है ना।
तो किचन में आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो ये आलू उबल चुके हैं, ये प्याज वाले कोई खाएगा तो प्याज कट करके रख दूंगी। अभी मैं लगाने जा रही हूँ आटा। ये पराठों का मसाला बन चुका है, बर्तन में अभी सेट ही कर रही थी, पानी निकल गया ना इनका इसलिए, और सारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। मैं कैमरे के पीछे हूँ तो अभी मैं नहा ही धोई नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे नहा धो के मिलूँगी। पहले पराठे बना देती हूँ, क्योंकि बेबी के साथ ऐसा होता है ना कि नहीं नहा पाते प्रॉपर। पहले मैं सोच रही थी नहा लेती हूँ, बट मैं सोचा कि चलो पराठे पराठे बना के तभी नहाऊंगी, बेबी के साथ ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलो मैं दिखाई देती हूँ अपने आप को। एवा बोल रही थी कि दीदी आपने सॉक्स नहीं पहने हुए। मैंने बोला कि नहीं यार मैं नहीं पहने हुए, क्योंकि मैं स्लीपर पहने हुए हूँ। अभी मैं अपनी जूती निकालूंगी ना, घर में पहनने वाली निकालूंगी, देखो टाइम नहीं मिल पा रहा, आज या कल निकालूंगी। एक तो आलस आ जाता है जैसे ही बिस्तर में घुसते हैं ना, तो बहुत आलस आ जाता है। तो चलिए पहले बना लेते हैं पराठे। पता नहीं क्यों टैबलेट वगैरह खाई थी, तब तक तो ठीक थी, कल से टैबलेट बंद मेरी, तो फिर से एकदम जुकाम जैसा होने लगा, ऐसे गला कट रहा है मेरा, पता नहीं अजीब अजीब से भाई जी, बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से बच्चे की भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, वो एकदम उसको खांसी आ रही है, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं। बना के पागल बच्चा, पागल हट ये भैया, मेरा गुंडे किसने मार लिया, किसने मार लिया तू? गुड इवनिंग एवरीवन। पता है बहुत टाइम हो गया, तब से ऑफिस से आ चुके हैं, कॉल अटेंड करके बेबी को खिला रहे हैं। मैंने बेबी की बोतल साफ करी, पानी गर्म किया, चाय बनाई उनके लिए। ये कटोरी में मेरी चाय है, जिसमें चीनी अलग है, इसमें चीनी अलग है। बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, और अभी हेमा का आने का समय हो ही गया है, तो चलो पहले मैं चाय दे के आती हूँ। और हमेशा आपने देखा होगा इस वाले मग में ही मैं चाय देती हूँ। जल ना जाए लड्डू, लड्डू नहीं जल जाए, लो पकड़ो पकड़ो यार। I don't want to do to jalu. आराम से तू लात देता है, पता है तुम्हें? पक्का? हाँ, पानी पिला दिया कल, पानी पिला दिया यार। भैया प्यारा बच्चा, लड्डू की क्यूट क्यूट हेयरकट, क्यूट क्यूट लड्डू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खा रही हूँ पोहा, आपको ज़्यादा दिख रहे हैं बट ये है नहीं, पता नहीं क्यों कैमरे में कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है सब चीज़। लड्डू सो रहा है, ये जल्दी जाग गया था, रात में भी अच्छे से नहीं सोया था, क्योंकि कल ये बहुत अच्छे से सोया था, तो शायद नज़र लग गई इसके पापा की और मेरी। हेमा आ गई है, हेमा के लिए मैंने निकाल के रख दिए हैं। बोल रही थी दीदी मैं खा के आई हूँ, मैंने बोला थोड़े से खा लेना। अनिल गए हैं लक्ष्य को टिफ़िन देने के लिए, क्योंकि लक्ष्य टिफ़िन लेके नहीं गया था। चलिए पहले हम फिनिश कर लेते हैं। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? अरे यार मेरा बच्चा होशियार है। कैसे? उसने ये जाग गया कि तुमने जगाया है? नहीं जगा हुआ, तुमने जगाया है? हाँ, से उठा ली, हाँ मुंह में लगा ली, बोले तुम्हें जो करना है। इधर आ जाओ, इधर तुम मुझे दिखाओ। अरे बेबी को दिखाओ ना यार, लो अपनी वॉच। सुनो, अपने हाथ से उठा ली ये आदमी, ये बंदा कल मुझसे सर थार गए 2 लाख रुपए की। अच्छा। और 2 लाख रुपए अभी तक दिए नहीं है। पूरी रात 2 घंटे खराब करे वो तुमने। मैंने क्या खराब किया 2 घंटे? और सुबह कैसे सपने में बड़ो रो रही हो बहुत जोर जोर से, मैं जानी की भैया ऐसी रो रही होंगी किसी चीज से नाराज है। मैंने कहा 10 मिनट मैं कैसे मान लूं, होना पड़ गया, मैं कैसे मान लूं? अरे बहुत ज्यादा गंदा सपना आया था यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोरी मैंने कहा अभी मैं मरूंगी, मैं नहीं बचूंगी, ये कैसे कर दिया? और वो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने कहा मैं जाके देखूं, फिर मैंने देखा ये तो सो रही नहीं, तो मैंने 2 लगाई कसम से, फिर ऐसे उठी कसम से। मैंने ऐसे 2 मारी फिर गजब बेइज्जती है। क्या झूठ बोल रहे यार, मोबाइल गिरा दिया यार। एक बात कहूँ, टेम्पर ग्लास भी नहीं है इसमें, तो पता है ना तुम्हारा है कि मेरा है। ये कह रही हूँ मैं, ये जा रहे हैं खाना खा के जा रहे हैं, मैंने इनके लिए टिफिन बना दिया, फिर भी
फिर भी ये खाना खा के जा रहे हैं, क्या गड़बड़ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। समझदार, आराम से फोन कर देना। बैग कहाँ है? बैग मुझे देख लो, तुमसे कितना मतलब मुझे दूर जाना जल्दी लगता है कि मतलब मैं बैग भूल, इसका मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ। अच्छी बुरे की बात ही नहीं होती, तो क्या है इसमें? कभी कोई अच्छी चीज से भी दूर जाना पड़ता है। अच्छा, तो मैं संन्यास ले रही हूँ, मैं जा रही हूँ हिमालय पे बच्चों को छोड़ के। ठीक है, हिमालय तो बाद में जाएंगे, यहाँ से बस स्टैंड तक ही चले जाओ। अब तुम बहाने मत बना, 2 लाख रुपए के ऊपर भाग रहे हो तुम। ठीक है, भाग गए 2 लाख रुपए लेके, सर थार गए। तुम्हारे लड्डू हो गया रेडी, रेडी हो गया लड्डू। वो शैतान हो गया है वो ज्यादा, ये गंदे गंदे काम करता है, बैठता नहीं है, ये गिर जाता है, बैठता है तो गिर जाता है ना। चलो अपना ये ले लो, टेडी ले लो अपना, चलो। तुमसे बड़ा तो टेडी लग रहा है लड्डू। ए गंदे बच्चा। ओ ओ ओ बेटा, भैया आने वाला है, पापा गई ऑफिस, गई पापा ऑफिस, गई लड्डू पापा ऑफिस। अच्छा, ये लड्डू नया नया बैठना सीखा है, अभी सीख रहा है, धीरे धीरे करके सीख रहा है मेरा बच्चा। चलो दूधू पियेंगे दूधू। ओके बेबी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये यहाँ पर बेड सही कर रहे हैं, और देखो लड्डू को यहाँ पर डाल दिया है कालीन पे ऊपर बेबी, और इसको बहुत मजे आ रहे हैं ना, बहुत मजे आ रहे हैं। आज ना आएगा मेरा बाबू, सर्दी बहुत है, 2 दिन से नहीं नहाया, ऐसा लग रहा है घिनेटा जैसा, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे लगते हैं। हे लड्डू, लड्डू को पापा ने कैसे बिठाल दिया है, कैसे बिठाल दिया है लड्डू को। हाँ, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, आ रहा है बेटे को मजा, मजे आ रहे मजे। हाँ, पापा ने लगाई है ये जुगाड़। चलो यार, बहुत काम डला हुआ है। हेमा आ चुकी है गांव से, तो ये बहुत जल्दी में है, टिफिन आज करने के लेके जा रहे हैं, खा के जा रहे हैं। मैंने रोटी सब्जी बना दी थी, लड्डू सो रहा है अभी। चलो आराम से जाना, चलो बाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जस्ट अभी लड्डू का भाई आया है स्कूल से, लक्ष्य, और वो नहा धो रहा है, और मैं आपको बताऊँ ये ना चीज़ों को पकड़ने लगा है बहुत टाइम से, बट मुझे लगा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ भी चीज़ हो गई इसको पकड़ लेता है। देखो मैं इसके लिए मम्मी के यहाँ गई थी, तब 2-3 खुनखुने लेके आई थी, ये वाले इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, खुनखुना बोलते हैं। अब इसको पकड़ के चला लेता है, ऐसे ऐसे करता है। पहले जब मैंने लिया था ना तब चलाना नहीं जानता था, और अभी तो सारी चीज़ों को पकड़ लेता है। देखो, और रोता भी है। ए ए बेटा लड्डू, क्या हो गया, क्या हो गया, रोता भी है चीज़ों के लिए, रोता है। खाना नहीं है पागल बच्चा, खाना नहीं है। हाँ, ऐसे पकड़ के खेलना है। खेलना है बेटा, खेलना है मेरे बच्चे, खेलना है। ऐसे करो, ऐसे 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 करो, देखो ऐसे करो। हर चीज में इसको खाना है।